बुद्धि तीन बातें करती है, विचार करती है, क्या निर्णय क्या करें, व्हाट शुड आई डू, अथवा उसकी इच्छा की ऐसा हो शायद वैसा हो, ये करे तो वो हो, अथवा तो फिर स्टोर करती है नॉलेज। तो किस विषय में विचार करेगी बुद्धि? अगर इफ यू आस्क अवरसेल्व्स, बुद्धि विषय किस विषय में विचार करेगी? उसी विषय में विचार करेगी जो उसके लिए उपलब्ध है, व्हाटएवर इज अवेलेबल फॉर इट टू प्रोसेस, इट्स जस्ट अ प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। बुद्धि जो हमारी है, अकल जो है, द इंटेलेक्ट द ब्रेन, इट्स जस्ट अ प्रोसेसर, जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, इट विल प्रोसेस व्हाटएवर इज फेड टू इट, व्हाटएवर इज इन इट। उसके अपनी कोई प्रेफरेंस नहीं है कंप्यूटर के, नो 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 नॉट टुडे, जस्ट लेट्स गो ऑन सम अदर वेबसाइट और डू समथिंग एल्स टुडे, नो, कंप्यूटर विल प्रोसेस व्हाटएवर इज इनपुटेड इनटू इट। ऐसे ही हमारा जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, इट विल प्रोसेस व्हाटएवर इज इनपुटेड इनटू इट। तो बुद्धि वही विचार करेगी जो मन में होगा, बिकॉज मन, हमारा माइंड इज दैट कॉन्ड्यूट विच फीड्स, जो खिलाती है बुद्धि, अभी चलो लो इसका विचार करो, लो अभी उसका विचार करो, लो अभी ये निर्णय इसके विषय में निर्णय करो, ये लो इसको ठीक हो तो स्टोर कर लो, आगे काम में आ जाएगा नॉलेज के रूप में। तो बुद्धि का अपना कुछ, बुद्धि खुद तो अकल है लेकिन बुद्धि को अपनी अकल नहीं है। द ब्रेन, द इंटेलेक्ट इज इंटेलिजेंट बट इट डजंट हैव इट्स इंटेलिजेंस फॉर इट्स ओन, फॉर इट्सेल्फ। जैसे कंप्यूटर होता है ना, वो कंप्यूटर को बंद कर देते, बंद पड़ा रहे 10 साल, बंद पड़ा रहे, उसको ये नहीं हो थोड़ा स्ट्रेचिंग करे, थोड़ा बाहर की हवा खाए, बैठा रहे वैसा ही, उसको ऑन करे तो क्या न कर पाए, अपनी बुद्धि न कर पाए इतना। ऐसे ही बुद्धि का है, वो उसको जो फीड किया, तो मन महाराज जो है, जो उसको फीड करते जाएंगे उसके विषय में। तो अभी बुद्धि कहाँ लगी है? नॉर्मली जो भी मन से आ रहा है, मन से प्राप्त हो रहा है उससे। अच्छा, मन में क्या है? इफ यू कीप गोइंग, चलो बुद्धि तो ठीक है वही करेगी जो मन देगा, मन क्या देगा, मन किधर, मन में क्या है? मन में वही है जो इंद्रियों ने अंदर लाया, सेंसर्स, व्हाटएवर माय सेंसर्स ब्रिंग इन इज व्हाट माय माइंड कैरीज, द बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट ऑफ माय माइंड, जो इधर से वो फनल से ऊपर से जो डाल दिया चक्की में वही होगा। गेहूं डाला तो चावल का पीठ नहीं निकलेगा बाहर, इधर बाजरी ज्वारी नहीं निकलेगी, जो डाला उधर ही वही निकलेगा। तो 5 फनल हो उसमें से अलग अलग डाले तो मिक्स निकलेगा, चक्की है वो। तो ऐसे ही मन इधर ही है जिधर इंद्रियां जाए। इंद्रिया क्या है? हमारी आंखें, हमारे कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, वो जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव लेकर के अंदर आए कि अच्छा ये ऐसा है, वो वैसा है, ये नहीं वो नहीं, ये अच्छा है वो बुरा है, ऐसा होना चाहिए वैसा चाहिए। 5 फनल से जो आया, इधर से गेहूं आया, इधर से चावल आया, इधर से बाजरी आया, इधर से और ये सब, उसका चल रही है चक्की मन की, और वो कन्वेयर बेल्ट से आगे ब्रेन को दे रहा, बनाओ इसका कुछ अलग अलग व्यंजन बनाओ, अच्छो तुम जो बनाना चाहते हो बनाओ। तो इंद्रियां, जब इसमें फिर इंद्रियां कहाँ है? अगर वी कीप गोइंग, इंद्रियां कहाँ? इंद्रियां बाहर है आंखों से, मेरी आंखों से, मैं बाहर गई देख पाता हूँ, अंदर का नहीं देख पाता क्या है कैसे है। नाक से बाहर का सूंघ पाते हैं, जिह्वा से जो भी रखा बाहर से वो चख पाते हैं, कानों से जो बाहर आया वो सुन पाते हैं। तो सारा का सारा जीवन बाह्य जगत में, सारा का सारा जीवन, इट इज फंडामेंटली हॉरिबल वे टू लिव। एकदम इतना महा बड़ी गलती हो गई, सारा का सारा जीवन बाह्य जगत में, जब से जन्मे तब से किसी ने बताया नहीं है तो हमने सोचा नहीं कि ये सारी पावरफुल इंद्रिया में इनको हार्नेस करके जितना आवश्यक उतना बाहर का ठीक है, लेकिन व्हाट आई कैन नॉट डू विद ऑल दिस, आई कैन डू एनीथिंग विद दिस कलेक्टिव पावर ऑफ दीज 5 सेंसेस। अगर मैं थोड़ा अंदर की ओर दिया, अंदर का कुछ पता ही नहीं था, अंदर कुछ होता है पता ही नहीं था, अंदर क्यों ऐसे क्यों हुआ, खासा बाहर है सब अंदर, क्योंकि अपने आप को शरीर ही माना, शरीर के अंदर क्या जाना है, शरीर के अंदर कुछ नहीं, कचरा है तो उसको तो बाहर निकाल दे, जो अंदर है उसको बाहर निकाल दे, तो अंदर क्यों जाए, अपने आप को शरीर ही माने। तो उधर ऐसा खिला गाड़ दिया पक्का कि बस खत खेल ही खत्म हो गया एकदम, इस जन्म का कोई प्रयोजन ही नहीं निकला खाने पीने में।